इस बंदे ने पहले भी सानू गलत बोलना नहीं छड़िया, मैं फोन किए क्योंकि जो सानू धमकी आई मैं इस बंदे फोन भी किए, मेरे को कॉल किए नहीं, कॉल नहीं चुकी बिकॉज इन्हें सब कुछ प्लान पहले ही कर लिया होया सीगा। पर आज इंसान कल लाइव आके साडे बारे होर गलत बोल रहा है, कदे वीडियोस पा रहा है, कदे कुछ कर रहा है, साडे बारे होर खिलाफ बोल रहा है, साडी जिंदगी नूं इन्ना बुरा हाल, साडी जिंदगी दा इन्ना बुरा हाल कीता पिया कि असीं ना ते इधर चुके हैं ना असीं उधर चुके हैं। साडे कोल जो साडी जिंदगी दा सीगा सब कुछ खो लिया इको वार इको झटके दे विच, जिस हालात चो असीं निकल रहे हैं, पूरा परिवार सफर कर रहे हैं, जुड़ के देखती है इंसान आराम खिलाफ गल बकी जा रहा है, लाइव आके आ रहा है, कदे कुछ बोल रहा है। हे हाय हेलो नमस्कार जी, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से, आपके फैमिलीज़ में सब लोग बहुत अच्छे से हैं। एंड आज है डॉटर्स डे, तो आई जस्ट विश ऑल द ब्यूटीफुल डॉटर्स इन दिस इंटायर यूनिवर्स अ वेरी हैप्पी डॉटर्स डे। आप सभी अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपनी कंट्री को, अपने नेशन को बहुत प्राउड फील करवाइए और बहुत ऊँचे स्काइज़ को टच कीजिए, बहुत सक्सेसफुल बनिए। एंड यही चीज़ मैं अपने लिए भी प्रे करूँगी। सो आज मैं स्टार्ट करूँगी एक कोट के साथ, खुदा की खूबसूरत मूरत होती है बेटी, बेटा हीरा तो अनमोल मोती होती है बेटी, बनाकर उन्हें बड़ा खुश होता है रब, हर रिश्ते को प्यार से संजोती है बेटी। सो आज मैं आप लोगों से ना एक बहुत ही ज़्यादा यू नो सेंसिटिव सी चीज़ पे बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर ऑफ दिस थिंग जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, पर वन ऑफ माई फ्रेंड शी सजेस्टेड मी कि मैं उस चीज़ पे बात करूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील कि इन चीज़ों पे बात होना ज़रूरी होता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं कि उन चीज़ों को ना, जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं हमारी, हमें कोशिश करना चाहिए उन्हें हम प्राइवेट ही रखें, बट अनफॉर्चुनेटली अगर कभी वो चीज़ें यू नो पब्लिक हो जाती हैं और कुछ ऐसा होता है जिससे किसी की रेपुटेशन पे बात आ जाती है, तो वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी, ठीक है, कुछ पैसे की आड़ में या अपनी पर्सनल एनिमिटी की आड़ में हम किसी को बिल्कुल ही यू नो क्या बोल सकते हैं, किसी को बिल्कुल ही नीचे नहीं गिरा दें। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, सहज गुरप्रीत व्लॉग्स ये चैनल का नाम है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, ठीक है जी, दैट इज़ अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, और वो ना लीक हो गया। अब वो लीक इस कदर हो गया है कि आई मीन आई फेल्ट वेरी बैड, ठीक है, मैं उस चीज़ को शेयर नहीं करूँगी बिकॉज मैं उस चीज़ के फेवर में ही नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो वो इंसान जिसने ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करी, सबसे बड़ी गलती उस इंसान की जिसने ऐसी वीडियो का यू नो एक रिकॉर्ड करा, दूसरी गलती उस इंसान की जिसने ये वीडियो लीक आउट कर दी, ठीक है जी। वैसे तो किसी को ये राइट ही नहीं है बिकॉज हेयर इट इज़ अ डेफेमेशन ऑफ अ वुमेन, ठीक है, लिटरली, बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि देवर अ फेमस कपल, उस चीज़ को लेके कि किसी भी चीज़ को लेके जो भी ये चीज़ें थी कि हाँ ये फेमस कर दिया, ठीक है, क्या मिला इस चीज़ से, मतलब इफ़ यू प्रमोटेड दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है, वो बंदा जिसका ये वीडियो है वो रो रहा है, लेट मी शो यू, आई बी शेयरिंग द लिंक, मैं उसका लिंक भी शेयर करूँगी, तो आप ये देखिए। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜਕੱਲ AI ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਹੈਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ 19 ਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 19 ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਪਲ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ बिकम पेरेंट्स, ये अभी पेरेंट्स बने हैं, इनके घर में यू नो भगवान जी की ब्लेसिंग से एक छोटा बेबी आया है। वॉट दे शुड डू, मतलब अपने आप को ऐसे देख के, मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट होता देख के जहाँ
एवरीबडी इज़ वॉचिंग देम, दे हैव 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स, वो लोग सब इनको देख रहे हैं, इनका ऐसा सा वीडियो वायरल हो जाता है गाइज, चाहे कोई भी हो ना उसको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो थ्रू माई चैनल एंड थ्रू माई वॉइस मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ को मत प्रमोट कीजिए, चाहे वो इनकी हों चाहे वो किसी और की हों, ठीक है ना। बिकॉज चाहे कुछ भी है, इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमें ह्यूमैनिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट ही है आप लोगों से, अगर आप लोग को लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, गलतियाँ हर किसी से हो जाती हैं, और सबसे बड़ा गलत वो होता है जो नारद मुनि का काम करता है, जो चीज़ यहाँ से वहाँ करता है, बिकॉज आपके एक छोटे से एक्शन ने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू पब्लिसिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम लाइक्स, सम वीडियोज़ इन सम सब्सक्राइबर्स, किसी की लाइफ इतनी गंदी कर दी है कि वो ब्यूटीफुल फेज ऑफ बीइंग पेरेंट्स है ना, वो जो उनको एंजॉय करना था वो उनका पूरा कबाड़ हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये पकड़ा नहीं जाएगा चीज़ की, हाँ ये कहाँ से कैसे हुआ लीक। आप जितने मर्जी टेक्निकली स्मार्ट हो जाइए, आपसे कहीं ऊपर हमारे साइबर क्राइम सेल वाले लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को बड़ी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, एंड स्पेसिफिकली ऐसे केसेस में जहाँ पे एक विमेन की डिग्निटी पे बात आती है ना। सो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, अच्छे नागरिक बनिए, बी रिस्पॉन्सिबल पीपल, और ऐसी वीडियोस को वायरल मत कीजिए। अगर आप देख भी लेते हैं, आपके पास शो भी हो जाती है, ठीक है, कि ऐसी वीडियो आ रही है, इनके नाम से आ रही है, जस्ट रिपोर्ट दैट वीडियो देयर ओनली। एंड वो सब यूट्यूब चैनल के क्रिएटर्स, वो सब यूट्यूब चैनल के ओनर्स, वो सब यूट्यूब चैनल वाले जो इन सब वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट नेम, प्लीज़ गाइज ऐसा मत कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी उस घटिया बात के या उस घटिया काम के कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं। बिकॉज जब ये चीज़ आती है ना लाइमलाइट में, तो जहाँ जहाँ से ये चीज़ें प्रमोट होती हैं वो सब ग्रिप में आते हैं। फिर बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कुछ अच्छा प्रमोट कीजिए, कुछ यू नो अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आइए जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो, या आपका खुद का बेनिफिट हो, या कुछ अच्छी चीज़ें हों, मतलब बेनिफिट ऐसा जो सोसाइटल बेनिफिट हो, रादर देन ये किसी की डिग्निटी पे क्वेश्चन करके या किसी को इंसल्ट करके आपको जो बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विश टू गॉड कि ये सब चीज़ जल्दी से ठीक हो जाए और आप लोग अच्छे से अपना फैमिली टाइम इन्जॉय करो।